हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। ओके, चलिए अब कुछ रिसर्च लिंक्स करते हैं। टाटा मोटर्स में आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई जिसमें कंपनी ने 1,14,00,000 शेयर बेचे। शेयर बेचकर रुकाई जुटाई रकम DVR के फ्रैक्शनल शेयर होल्डर्स में बटेगी। एक पूरी खबर बताने के लिए दीपाली के पास चलते हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए इस ब्लॉक डील का DVR शेयर से क्या लेना देना है? दरअसल अनुज, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR का जब मर्जर अनाउंस हुआ था तो रेशियो अनाउंस किया गया था 10:7 का, यानी टाटा मोटर्स DVR के 10 शेयरों के बदले टाटा मोटर्स के 7 शेयर होल्डर्स को मिलने थे। अब इस मर्जर की जो रिकॉर्ड डेट थी वो 1 सितंबर थी। अब क्योंकि ये मर्जर रेशियो 10:7 का था तो काफी ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास फ्रैक्शनल शेयर्स बचे हैं, यानी उनके कुछ शेयर्स कन्वर्ट हो गए टाटा मोटर्स के शेयर में, कुछ शेयर्स रह गए क्योंकि रेशियो 10:7 का था। अब क्योंकि टाटा मोटर्स DVR में ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है, 1 सितंबर रिकॉर्ड डेट थी, तो ये जो फ्रैक्शनल शेयर्स बचे इन शेयर्स को आज टाटा मोटर्स ने ब्लॉक डील के जरिए बेचा है। और जो ये टोटल क्वांटिटी रही है इन फ्रैक्शनल शेयर्स की, वो 1.14 करोड़ की रही है। तो जो रकम जुटाई गई है आज इस ब्लॉक डील के जरिए वो टाटा मोटर्स DVR के शेयर होल्डर्स को दी जाएगी उनके फ्रैक्शनल शेयर्स के बदले। कुछ शेयर्स उनके ऑलरेडी टाटा मोटर्स में कन्वर्ट हो गए और कुछ शेयर्स जो बचे थे उनकी रकम उनको दी जाएगी। तो ये ब्लॉक डील आज उन फ्रैक्शनल शेयर्स की हुई है और साथ ही साथ जो रकम आज जुटाई गई है उसमें से कुछ पोर्शन टैक्स लायबिलिटी पर भी चुकाया जाएगा। तो ये आज की ब्लॉक डील और उसकी डिटेल्स। तो टेक्निकल कारणों की वजह से वो ब्लॉक डील हुई, कंपनियों को पैसों की ज़रूरत थी और वो फ्रैक्शनल शेयर बेचकर इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए। लेकिन दीपाली, अब यहाँ से फोकस कंपनी का लार्जली इस फेस्टिव सीजन पर रहेगा, तो अगर एक अंदाज़ा दे सके कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैसे रैंप अप कर रही है और साथ ही साथ किस तरह के ऑफर्स कंपनी की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे? तो पहले तो हर्षदा मैं आगे की डेवलपमेंट क्विकली बता दूं। टाटा मोटर्स फोकस में अब यहाँ से इसलिए रहेगा क्योंकि 28 सितंबर को रानीपेत तमिलनाडु में कंपनी 9000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर, उसका इनॉग्रेशन करेगी। ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टाटा मोटर्स के लिए क्योंकि यहाँ पर JLR और टाटा मोटर्स की EVs का प्रोडक्शन किया जाएगा। और 9000 करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मार्च में कंपनी ने इनफैक्ट ये अनाउंस किया था। अब इसका जो एलोकेशन रहेगा उसमें 2/3 एलोकेशन JLR की गाड़ियों के लिए रहेगा और साथ ही साथ 1/3 एलोकेशन रहेगा टाटा मोटर्स के लिए। नए प्लेटफॉर्म पर जो टाटा मोटर्स की EV बनेगी उनका प्रोडक्शन यहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि ऑलरेडी EV सेगमेंट में टाटा मोटर्स अच्छा कर रही है, ऑल्दो उनका जो आइस SUV पोर्टफोलियो है या पूरा SUV पोर्टफोलियो, वो उसमें कुछ सेलेक्ट मॉडल्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्योंकि महिंद्रा SUV स्पेस में लीडर है और नेक्स्ट ईयर महिंद्रा की जो बॉर्न इलेक्ट्रिक EVs हैं वो मार्केट में आ जाएंगे तो कंपटीशन और इंटेंसिफाई हो जाएगा, तो उस पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो एक तो ये चीज़ हुई, दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर्स की रीसेंट सेल्स भी देखेंगे तो अगस्त में भी 3% के आसपास सेल्स YOY बेसिस पे ड्रॉप हुई हैं और इसीलिए कंपनी अपने SUV पोर्टफोलियो की सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए काफी डिस्काउंट्स ऑफर कर रही है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि टाटा मोटर्स इतने ह्यूज डिस्काउंट्स दे रही है और एक नया प्रोग्राम कंपनी ने फेस्टिवल्स के लिए शुरू किया है, हैरियर और सफारी जो कि फ्लैगशिप SUVs है टाटा मोटर्स की, उन पर 2,00,000 रुपए तक के डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं। सिर्फ एक पंच EV और कर्व जो कि लेटेस्ट ऑफरिंग है टाटा के पोर्टफोलियो से, इन पर आपको कोई डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे हैं, अदरवाइज ज्यादातर गाड़ियों पर काफी अच्छे डिस्काउंट्स टाटा मोटर्स दे रही है। ऑल्दो टाटा मोटर्स ही सिर्फ SUV पोर्टफोलियो पर डिस्काउंट्स नहीं दे रही, अगर आप बाकी MNM या फिर बाकी ब्रांड्स के SUV पोर्शन को देखेंगे तो वहाँ भी अच्छे डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। तो एक समय का जो हॉट सेलिंग SUV सेगमेंट रहा है वहाँ पर थोड़ी सी डिमांड जो है वो लैगार्ड हुई है, ऑल्दो ज़्यादातर कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड अर्बन डिमांड थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। ओके, टाटा मोटर्स स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है एक्चुअली। गाबा सर, क्या करें हम स्टॉक में? बात हुई थी सुबह, लेकिन कोई इंडिकेशन है कि बस आज ये करेक्शन खत्म होगी शायद? 950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज है, समझ जाए तो शायद वहां पर समझ जाए। 950-940 जोन्स मतलब, और एक डाउन मूव मिलता है तो फिर स्ट्रेच हो सकता है डाउन मूव, लेकिन बाय सिग्नल मिलेगा जब वो 1000 के पार चला जाए। इसको 3-4 डिजिट होना जरूरी है, एक बार वो हो जाए फिर मेरे ख्याल से अपू ऑन है। बिल्कुल, 4 डिजिट